हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोगों के साथ शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो हमारे ग्रीष्म ऋतु की तो जान है ही, साथ साथ हमारे बिहार की भी पहचान है। तो चलिए देर ना करते हुए इसकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हम सत्तू का शरबत बनाना बताएंगे, तो हम सत्तू का 3 तरह का शरबत बनाएंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 ग्लास लिया है। अब हम 2 ग्लास को साइड रखेंगे और 1 ग्लास में हम नमकीन शरबत बनाएंगे। तो चलिए इस दोनों ग्लास को हम साइड रखते हैं और इसमें हम डायरेक्ट ग्लास में ही शरबत बनाएंगे, चूँकि हम यहाँ पर 1 ही ग्लास बना रहे हैं। अगर 1 ग्लास से ज़्यादा बनाना है तो किसी बोल में आप पहले सत्तू को घोल लें, फिर आप उसको जितना बोल में बना जितना ग्लास बनाना चाहते हैं उसमें शरबत बनाएं। तो यहाँ पर हम 3 छोटी चम्मच सत्तू डालेंगे और यहाँ पे हमने चिल्ड वाटर का यूज़ किया है, तो हमने 1/2 ग्लास चिल्ड वाटर डाल दिया है। 1/2 छोटी चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे यहाँ पे, 1/2 छोटी चम्मच हम ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक डालेंगे, 2 पिंच के बराबर हम यहाँ पे वाइट सॉल्ट भी डालेंगे, सफ़ेद नमक, और यहाँ पे हम 1 हरी मिर्च को कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसमें से जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। साथ में 2 छोटी चम्मच हमने कटा हुआ प्याज का यूज़ किया है, ये जो है ग्रीष्म ऋतु में लू से हमें बहुत बचाता है, तो 1/2 नींबू का भी हम इसमें रस डालेंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है इस नींबू के रस को डालने से। तो ग्रीष्म ऋतु में आप अगर इसे पी के घर से निकलते हैं तो आपके शरीर में काफ़ी देर तक एनर्जी बना रहेगा, साथ में जो है ये लू से बचाता है, पेट में हर तरह की प्रॉब्लम से बचाता है और एनर्जी तो देता ही है। तो आप जब भी ग्रीष्म ऋतु में घर से बाहर निकले तो 1 ग्लास इस तरह से शरबत बना ले और पी के आप घर से निकले। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल दिए हैं, तो देखिए ये शरबत जो है बिल्कुल बनके तैयार है। ऊपर से हम थोड़ा सा हरी कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर देंगे, यहाँ पर आप पुदीना का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए नमकीन शरबत जो है बिल्कुल बनके तैयार है, तो इसे हम साइड रखते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरा बताते हैं, तो यहाँ पे हम मीठा शरबत बनाएंगे, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे चिल्ड वाटर लिया है, 1/2 ग्लास अभी हम चिल्ड वाटर डालेंगे, 3 चम्मच हम सत्तू डालेंगे, सत्तू जो है रोस्टेड चना का पाउडर है। अब यहाँ पे 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे, आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 3 चम्मच भी डाल सकती हैं। अब एकदम 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर काला नमक, 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर जीरा का पाउडर और 1/2 नींबू हम इसमें डाल देंगे और इसे हम इस तरह से घोल लेंगे, अच्छी तरह से घोलेंगे जब तक कि चीनी बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए इसके अंदर। तो देखिए चीनी जो है बिल्कुल अब इसमें घुल चुका है, शरबत जो है बिल्कुल बनके तैयार है। ये शरबत भी काफ़ी एनर्जी से भरपूर है और पेट के लिए हमारा रामबाण है, तो इसके ऊपर से थोड़ा सा चिल्ड वाटर हम और डाल देते हैं और ये जो है एक बार फिर से चला देते हैं, तो बिल्कुल शरबत जो है नमकीन शरबत और मीठा शरबत दोनों ही बनके तैयार है। दोनों ही जो है बहुत ही शक्तिवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसे भी सत्तू जो है आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, तो इसे आप किसी भी रूप में लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए तो बहुत अच्छा है ही, बहुत ही ताकतवर है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे शाही सत्तू शरबत बनाना, तो इसके लिए हमने चिल्ड दूध लिया है, चिल्ड दूध में हमने 2 चम्मच सत्तू डाला है और 5-6 इलायची को कूट के उसका पाउडर डाला है, 1.5 चम्मच हम यहाँ पे शुगर का पाउडर डालेंगे यानी चीनी को हमने पीस के यूज़ किया है, तो 1.5 चम्मच हमने इसमें चीनी डाल दिया है। इसे हम इस तरह से घोल लेंगे। मीठा यदि आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं, इस तरह से आप सत्तू को घोल दीजिए। अब इसमें देखिए ऊपर से इसमें हम जो है काजू, पिस्ता और बादाम का कतरन डालेंगे, इसे आप ब्रेकफास्ट के रूप में ले सकते हैं, जो ओल्ड एज वाले हैं उनको भी आप इसे आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा और इसे बना लीजिए और साथ में आप बच्चों को भी इसे पीने के लिए दे सकते हैं, बच्चे भी इसे बहुत चाव से पीते हैं। ऊपर से हमने पिस्ता और बादाम के कतरन से इसे गार्निशिंग कर दिया है, तो ये देखिए तीनों ही शरबत बन के तैयार है। तीनों में हमने चिल्ड वाटर और चिल्ड मिल्क का यूज़ किया है, फिर भी यदि आपको अगर और ठंडा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा आइसक्यूब डाल के भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो यदि पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें। अब इस तीनों ही शरबत में से आप किसी भी शरबत को किसी भी रूप में लीजिएगा तो आप इस गर्मी के मौसम में इसमें लड़ने की ताकत, आपके शरीर में एनर्जी, लू से बचाएगा, शरीर में पानी बनाए रखेगा, तो आप इसे ज़रूर लीजिए। और अगर एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, आने वाले बेल आइकन की घंटी को आप जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।